हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता, सीईओ एनटीसीएस एंड प्रेसिडेंट आईआईआई3, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में। अब जब मैं ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज लोगों को बताती हूँ तो सब लोगों को लगता है क्या मैं टीचर को ट्रेन कर रही हूँ, क्या टीचर को लाके कुछ ट्रेनिंग देना है, उनको कुछ सर्टिफिकेट देना है। तो नहीं दोस्तों, ये कुछ रॉन्ग बिलीव्स है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते क्या है। TTC का नाम आप सबने सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। अब ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ये उस लिए होता है जिनको टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए, एक प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो कंपलसरी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारे जो कोर्सेज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें TTC, MTC, NTT, ECCET, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये क्यों करना चाहिए और इसकी ज़रूरत क्या है। तो ऐसे महिलाएं जो 12th पास हैं और एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ एक पार्ट टाइम जॉब जैसे कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। सेकेंड थिंग, जो हाईली क्वालिफाइड है बट मदरहुड की वजह से उन्होंने आपका करियर ब्रेक किया है, सो फॉर देम टू गेट सेकेंड करियर ऑप्शन वी कैन डू दिस कोर्सेज। तो ये दोनों टाइप के लिए भी अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्रीफर करते हैं कि लेडीज़ ही आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है, देन उनको ऑब्वियसली संभालना तो है ही, तो इसकी वजह से ये लेडीज़ के लिए बहुत ही सूटेबल एक जॉब का फील्ड है। तो आइए देखते हैं इसके डिटेल्स क्या है और इसके गहराई में जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ आपको नॉमेनक्लेचर्स बताए, तो उसमें TTC जो है ये इसका लॉन्ग फॉर्म होता है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। ये जो डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा करने के बाद आपको किसी भी स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर का जॉब, प्री प्राइमरी में आता है प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, ये चार क्लासेस को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप ये कोर्स करते हो तो आपको स्कूल में जॉब मिलेगा। तो ये जो TTC है ये यूनिवर्सल नेम है, हर कोई इसको TTC कहता है, बट इसके जो अलग अलग कोर्सेज हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो है ये स्पेसिफिकली जो आर्मी स्कूल होते हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में हमेशा NTT नज़र आता है। तो हमने यहाँ पे, हमारी जो कंपनी है NTCS, उसमें ये कॉम्बिनेशंस इस तरह से किए हैं जिस तरह से स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट आती है स्कूल से, तो अगर वो स्कूल आर्मी से है या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहते हैं, तो जनरली उनका जो क्राइटेरिया होता है वो TTC, NTT इस टाइप का एक क्राइटेरिया होता है। तो हमारे कोर्स में आपको ये दोनों डिप्लोमा एक साथ मिलेंगे। देन दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है इसमें, वो है MTC, दैट इज़ मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। मॉन्टेसरी, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इवन हम प्री स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल को एक दूसरा नॉमेनक्लेचर भी देते हैं जिसको हम मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। अब मॉन्टेसरी स्कूल करने के लिए, एक्चुअली ये कोर्स करने के लिए तो बहुत सारे लेडीज़ आते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, लेकिन उनको अब तक ये पता नहीं है कि मॉन्टेसरी नाम आया कहाँ से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जिन्होंने ये मेथडोलॉजी इन्वेंट की, उनके नाम से ये कोर्सेज और ये सारे स्कूल चलते हैं। बट एक ताज्जुब की बात क्या है पता है, जो मेथडोलॉजी इन्होंने दी थी वो मेथडोलॉजी आज हम 10% भी यूज़ नहीं करते। हाँ, 10% भी वो मेथडोलॉजी प्री स्कूल में यूज़ नहीं होती। प्री स्कूल का लॉन्ग फॉर्म है प्रिपरेटरी स्कूल। प्रिपरेटरी स्कूल का मतलब ये है कि पहली बात तो ये स्कूल नहीं है। स्कूल को जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्रिपरेशन किया जा सकता है या प्रिपरेशन करना चाहिए,
उसके लिए ये प्री स्कूल बने हुए थे। और डॉक्टर मारिया मोंटेसर ने बहुत क्लियर अप्रोच दिया था, उनके अप्रोच का नाम था पेडियोसेंट्रिसिज्म। अब ये जो पेडियोसेंट्रिसिज्म अप्रोच है, पेडियोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है चाइल्ड एज अ सेंटर, चाइल्ड एज अ सेंटर। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था फ्रीडम एंड जॉय। उनके स्कूल की खासियत ये थी कि वहाँ पे फ्रीडम दिया जाता था बच्चों को, एंड एंजॉय किया करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता था। दैट वाज द बेस ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। आज क्या हो रहा है, आज के हर स्कूल में बच्चा सेंटर नहीं है, टीचर सेंट्रिक हो गया है। टीचर नहीं है तो क्लास में कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ टोटल मेस। एंड शी वॉज अगेंस्ट दिस। She told that the children are self-directed. They don't need any assistance. They don't need any guidance. You just have to channelize their energy. ये उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियरली उनके अप्रोच में मेंशन किया था। और उनका अप्रोच जो है वो साइलेंस एक्सरसाइज पे बेस्ड है। साइलेंस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी शोर नहीं होगा, ना बच्चे शोर मचाएंगे, ना टीचर शोर मचाएगी। वहाँ पे मॉन्टेसरी मेथड में जो होता है, वहाँ पे टीचर वन टू वन बच्चों को सिर्फ गाइड करती है, यानी कि वो उनको असिस्ट करती है। एक डेमोंस्ट्रेशन दिया जाता है, उनका जो भी मटेरियल होता है, एकेडमिक मटेरियल उन्होंने जो इन्वेंट किया है स्पेशल बच्चों के लिए, तो वो जो मटेरियल है उसका एक डेमोंस्ट्रेशन सिर्फ टीचर देती है। बाद में ट्रायल्स एंड एरर्स ओनली चिल्ड्रन हैव टू डू। They don't need to get, you may say, assisted in between. उनको disturb भी नहीं करना है, उनको खुद होके उनकी तरीके से वो particular exercise करके देनी है। उसमें सारा सारा preparation हो जाता है। अगर Montessori method के हिसाब से चलते हैं तो ये बच्चा जो है बिल्कुल silence में सीखता है, क्योंकि वो silence में सीखता है तो उसकी जो energy है वो preserve हो जाती है और वो बहुत powerful हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा इन्वॉल्व हो रहा है। अभी देखो ये बात ध्यान से सुनना, इफ़ यू विल टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ़ यू विल शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ़ यू विल इन्वॉल्व मी आई मे अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट? कि अगर कोई इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में तो ही वो उस चीज़ को 100% समझ सकता है और उस लिए हुए नॉलेज को वो बाद में अप्लाई भी कर सकता है। आज एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हर चीज़ वो एक डिग्री के कागज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये कागज़ ही पूरा मोटिवेशन का सोर्स है। तो क्या हो रहा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी हो रही है, सीखने के लिए या फिर खुद की डेवलपमेंट करने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। मैंने खुद एक बहुत ही नामी कॉलेज के साथ जॉब किया हुआ है, एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, एक प्रोफेसर की पोजीशन पे मैं 15 साल काम कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि बच्चों का मोटिवेशन क्या है। मैम बस आप एग्ज़ाम का बताओ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाओ। बच्चों का भी मोटिवेशन नहीं है कि उनको कुछ पढ़ने के लिए पढ़ना है, क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया ना, और बिल्कुल बचपन से ही उसको कंपटीशन में डाल देते हैं। तो यहाँ का जो बच्चा है वो चीखता है, चिल्लाता है, उससे भी ज़्यादा ज़ोर से यहाँ की टीचर चिल्लाती है, जो मॉन्टेसरी की मेथड में बिल्कुल ही नहीं था। तो ये रियलिटी है अपने स्कूल की। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का अप्रोच क्या था, उनकी मेथडोलॉजी क्या थी। तो ये मेथडोलॉजी जिस कोर्स में पढ़ाई जाती है उस कोर्स का नाम है मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। और ज़्यादातर स्कूल इस कोर्स को प्रीफर करते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके प्री प्राइमरी टीचर के लिए। अब ये जो TTC है ये दो टाइप का होता है, जो हम लाइक NTCS इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम जो TTC दे रहे हैं उसमें हम सिर्फ प्री प्राइमरी का प्रिपरेशन करा के दे रहे हैं, क्योंकि हम जो एक साल का कोर्स जिसमें प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी दोनों का प्रिपरेशन कराते हैं उसमें हम सारे ही कोर्सेज दे देते हैं, और उसमें प्राइमरी के लिए हम DED अलग से देते हैं। DED इज़ डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसको DLED भी कहते हैं, दैट इज़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो डिप्लोमा है ये करने के बाद आप फर्स्ट टू, वैसे तो फोर्थ स्टैंडर्ड, बट हम जो है 6th स्टैंडर्ड तक टीचर्स को प्रिपेयर करा के देते हैं, ताकि आप फर्स्ट टू 6th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये
एमटीसी का मैंने बता दिया, अब आता है ईसीसीएड। जैसे डीएड, बीएड, एमएड ये एजुकेशन के कोर्सेज है, वैसे ही ज़्यादातर स्कूल आज ईसीसीएड प्रेफर कर रहे हैं। ईसीसीएड का लॉन्ग फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये जो कोर्स है स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ने, जो अपनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। एनसीटी जो है ये सारे कोर्सेज चलाने वाली एक मेजर बॉडी है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो, अगर एनसीटी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्योरली गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अदरवाइज जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने यूनिवर्सिटी का प्रॉपरली अफिलिएशन लेके रखा है, हमारा एक ग्लोबल अक्रेडिटेशन है आईएओ का, तो आपको पहले ये क्रेडेंशियल्स चेक करने हैं जब भी आप ये कोर्स करने के लिए जाए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करने के लिए आपका जो पेपर है, लाइक आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो पहले एलिजिबिलिटी में फिक्स होना चाहिए। अगर वो उसमें बैठता है तो ही आगे की बात हो सकती है। तो अगर आपको कल जाके अप्रूवल लेना है, आपको अच्छे स्कूल में जॉब करना है, तो आपको इस सर्टिफिकेट के क्रेडेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया क्रेडेंशियल्स के बारे में। दूसरा क्वालिटी के बारे में, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स ट्रेनिंग चला रही है, क्या वो आपको इंटर्नशिप दे रही है, क्या वो आपको जॉब के लिए असिस्टेंस दे रही है, क्या वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रही है। बिकॉज पहला क्राइटेरिया सर्टिफिकेट के बाद जो सेकंड पॉइंट मुझे सारे स्कूल बोलते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर एक टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो एक्चुअली शी इज़ नॉट एलिजिबल, दो शी माइट हैव सर्टन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स, वॉट एवर डिग्री डिप्लोमा शी हैज़ डन, बट इट इज़ नॉट वर्थ इफ हर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन लेडीज आई फाउंड दैट दे आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज बात करना, मतलब एक लैंग्वेज को यूज़ करना, ये एक स्किल है। जैसे ड्राइविंग करना एक स्किल है, स्विमिंग करना एक स्किल है, जो आप बुक से पढ़ के, अगर समझो स्विमिंग करने के लिए मैंने हज़ारों बुक्स पढ़ लिए और मैं अगर पानी में नहीं गई तो क्या मुझे स्विमिंग करना आएगा? मैंने ड्राइविंग करने के लिए हज़ारों बुक्स पढ़ लिए और मैं गाड़ी पे कभी बैठी नहीं, क्या मुझे ड्राइविंग करते आएगा? इन द सेम वे, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल है, उसमें मैं कितना भी पढ़ लूँ लेकिन अगर मैं उसको यूज़ नहीं करती तो वो जो स्किल है वो मुझ में इम्बाइब नहीं होगा, उस स्किल को मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी। तो उसको यूज़ करने के लिए उस स्किल को आपको यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग इंग्लिश इज़ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और आज की यहाँ पे आने वाली जो टीचर है पहले से ही वो डीमोटिवेटेड है, फिर पैशन की कमी है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। उस पर सबसे पहला सवाल हर किसी का मेरे पास आने के बाद यही होता है, मैम इंग्लिश बोलता है इतना ही मोहिल का, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस सिचुएशन यू जस्ट थिंक ऑफ आर फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों का भविष्य जस्ट आप सोचो। एनीवेज, अगर आप आपके कम्युनिकेशन पे काम करना चाह रहे हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट इसके लिए भी आपको प्रॉपर ग्रूमिंग सेशन देता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कोर्स के साथ। हम आपके पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ की जो टीचिंग लर्निंग मेथड होगी वो मोर देन 80% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगा, दैट इज़ यू विल इन्वॉल्व विद इन दैट। आपके प्रेजेंटेशंस होंगे, आपके केस स्टडीज़ होंगे, रोल प्लेज होंगे, इस टाइप का यहाँ पे एनवायरमेंट रहेगा। थेरोटिकल अप्रोच बिल्कुल 20% से भी कम रहेगा यहाँ पे। और इस एनवायरमेंट में आके आपको अगर आपकी पर्सनालिटी पे काम करना है तो ये दोनों, तीनों, चारों चीज़ें हमारे यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी है एक टीचर बनने के लिए। आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं और अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट है इससे रिलेटेड, आपके और भी कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट पर लिख के आपके सवाल पोस्ट कर सकते हो, वी विल आंसर इट ऑल द क्वेरीज, वी आर वेलकम फॉर दैट। So, thank you very much for watching this video.